हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ केतन ठाकुर। टुडे वी लर्न स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 2। नाउ इन लास्ट लेक्चर वी हैव टू स्टडी अबाउट डिफरेंट ऑर्बिट, एंड नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव टू सॉल्व अ शेप ऑफ ऑर्बिट। शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट, सो हियर फोर ऑर्बिट एस पी डी एन एफ। आउट ऑफ दिस फोर ऑर्बिट फर्स्ट स्टार्ट विथ एस ऑर्बिट, सो वी नो दैट शेप ऑफ, लास्ट टाइम डिस्कस शेप ऑफ एस ऑर्बिट इज अ स्फेरिकल शेप and last lecture we have to discuss a function is a sign, is a wave function. तो ये wave function की हमने बात की थी। तब next जो experiment किया वो wave function against radius का graph plot करके देखा। तो only for first s, it means 1s, so only 1s it means orbit is represented orbit and maximum how many electrons, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन ऑर्बिट। तो एस ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल्स सो इज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल्स। सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ अगेंस्ट साइन फंक्शन अगेंस्ट रेडियस इन नैनोमीटर। सो दिस रेडियस कैन बी कंसिडर इन यूनिट नैनोमीटर एंड ए साइन। सो यहाँ पे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ इज कंटिन्यूअसली डिक्रीज, इट मीन्स जैसे जैसे न्यूक्लियस से फार डिस्टेंस पे वैल्यू रहेगी तो एंड रेडियस इज कंटिन्यूअसली डिक्रीज, इट मीन्स साइन की जो वैल्यू होगी वो न्यूक्लियस के फार डिस्टेंस पे जाने के बाद कंटिन्यूअसली इन डिक्रीज पोजिशन में होगी। इन सिमिलर वे नेक्स्ट फंक्शन इज साइन स्क्वायर, उसका हमने ग्राफ प्लॉट किया तो दोनों का रिजल्ट सेम आया। एन इज अ नैनोमीटर, साइन स्क्वायर फंक्शन सो इज कंटिन्यूअसली एंड वन टाइम इज सेम, दोनों के जो ग्राफ थे वो सिमिलर ग्राफ प्रेजेंट हुए। एंड फॉर अनदर ऑर्बिट, इट मींस फॉर अ साइन स्क्वायर फंक्शन फॉर फर्स्ट ए डॉट 1s ऑर्बिट एंड देन अदर देन 1s, इट मींस कंसिडर एज अ 2s ऑर्बिट। सो 2s ऑर्बिटल इट मींस मोर देन वन, जो यहाँ पे 1s में जो 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे उससे ज़्यादा ये बी फंक्शन में होंगे, तो उसके लिए सेम फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया गया साइन अगेंस्ट रेडियस इन नैनोमीटर यूनिट्स। तो जो ग्राफ की वैल्यू थी वो इंक्रीजिंग, मीन्स यहाँ से आपको एक पार्ट मिला, फिर वापस ये पार्ट मिला और इस तरह से वैल्यू आपको मिली, यानी कि एक पॉजिटिव पार्ट कंसीडर किया गया और नेगेटिव पार्ट कंसीडर किया गया। तो उसके लिए यहाँ पे आपको जो थियोरी थी उसमें बताया था साइन इज नॉट कंसीडर एज अ फिजिकल मेजरमेंट, बिकॉज हियर दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग, 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, बट वी नो दैट प्रोबेबिलिटी डज नॉट नेगेटिव, बट हियर ग्राफ कैन बी नेगेटिव, सो साइंटिस्ट से दैट साइन इज अ अनडिफाइंड फंक्शन, इट मीन्स इज अ नॉट फिजिकल सिग्निफिकेशन इन प्लेस ऑफ साइन। सपोज ये जो वैल्यू थी वो माइनस टू एज्यूम करो, तो साइन की वैल्यू माइनस टू होगी तो साइन स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव फोर होगी, इट मीन्स साइन स्क्वायर की जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो कंसिस्ट हो सकती है इन प्लेस ऑफ साइन, बिकॉज साइन इज अ नेगेटिव बट प्रोबेबिलिटी इज नॉट नेगेटिव, देयर फोर साइन इज इक्वल टू माइनस वैल्यू आर गिवन। सो इन ग्राफ इन दिस वे डिसाइडेड और अनाउंस दैट साइन इज अ अनडिफाइंड, इट मीन्स नो मेजरमेंट वैल्यू, इट मीन्स नो फिजिकल सिग्निफिकेशन, बट इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर स्क्वायर इज सेम आर रेडियस इन नैनोमीटर। सो ग्राफ कैन बी प्लॉट एट वन टाइम एट रीच जीरो एंड देन हाइएस्ट डेंसिटी एंड देन डाउन पार्ट इज जीरो। इट मीन्स सपोज इज ए न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट इज कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन मूविंग, इट मीन्स ओनली
presents two electron, but millions of picture can be collected, you got many number, and one time is reached zero, it means value of this stage is zero. So it means consider probability of finding electron is zero. It means here space can be given, and then after some space here starting, it means continuously increase, and then electron can be picturized this type, and one time again zero. So इसको हम boundary के form में collect करते हैं. उसी first का 1s का boundary है, उसी तरह से इस 2s का boundary है, 2s और 1s. तो उसको दो दोनों के orbital के बीच में जो gap होती है, तो उसको हम nodes बोलते हैं. Nodes यानी कि here probability of finding electron is zero. Probability of finding electron is zero. This type of area can be known as a nodes. So nodes यानी कि अब you understand that for space between two orbitals, it means 1s होगी, 2s होगा, इसी तरह से दूसरा आएगा. तो यहाँ पे जो दोनों के बीच में स्पेस होती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग इज जीरो, इज कंसिडर एज अ नोड्स. नोड्स एज अ टू टाइप्स ऑफ नोड्स कैन बी फाउंड. सो फर्स्ट इज रेडियल नोड्स एंड सेकंड इज एंगुलर नोड्स. सो रेडियस नोड्स एंड एंगुलर नोड्स, टू टाइप्स ऑफ नोड्स. So radius, radical nodes और angular nodes. So radical nodes की जो value होगी वो इस तरह से होगी n minus l minus 1. ये radical nodes find करने का equation है. उसी तरह से कैसे angular nodes. So what is angular nodes and radical nodes, ये हम next जब p orbital understand करेंगे उसमें आप ठीक से समझ पाओगे. Radical node यहाँ पे आप समझ सकते हो, ये जो boundary है उस तरीके से, यानी कि first radical, second रेडिकल, इस तरह से जो बाउंड्री है उसको हम रेडिकल के फॉर्म में कहेंगे. और एंगुलर यानी कि वो आपको नेक्स्ट पी ऑर्बिट में समझ में आएगा. एंगुलर नोड्स सो इज अ सिमिलर वैल्यू ऑफ एल, इट मींस वैल्यू ऑफ एल कैन बी रिप्रेजेंटेड एंगुलर नोड्स. सो यू कैन फाइंड हाउ मेनी एंगुलर नोड्स इन एनी ऑर्बिटल लाइक 1s, 2s, 3s, 3p, 3d. सो ऑल्सो यू कैन फाइंड रेडिकल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स फ्रॉम एनी ऑर्बिटल्स. So radical nodes find equation is n minus l minus 1, and angular nodes is equal to l, is a value of l. Now total nodes means sum of total nodes, it means sum of radical node and sum of angular nodes. So value of radical node is n minus l minus 1 plus angular node means l. So l and l cancel, final answer is n minus n. So value of or equation of total nodes, find n minus 1 is a total nodes. So ye, and the shape of, we know that shape of first s orbital is equal to spherical. It means jo nucleus hoga uske around spherical form mein wo मोशन में रहेगा. तो ये आपका एस ऑर्बिटल के बारे में हुआ. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल. शेप ऑफ पी ऑर्बिटल और एस जो ऑर्बिटल है वो स्टार्टिंग होगी फर्स्ट 1s से स्टार्ट हो जाएगा, बट जो पी ऑर्बिटल है वो आपको कहां से स्टार्ट होगा, 1s में प्रेजेंट नहीं होगा, वो फर्स्ट स्टार्ट होगा 2, इट मींस n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 कंटिन्यू अप टू सो ऑन, और यह स्टार्ट फॉर n इक्वल टू 1. एंड शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स इज अ डम्बेल शेप, इज अ शेप लाइक डम्बेल. सो इज कंसिडर एज अ डम्बेल शेप. नाउ वी नो दैट हाउ मेनी p, 3, बिकॉज n equal to 2, so l equal to n minus 1, it means 1, 4 p orbitals, and value of m is equal to minus l to l, it means minus 1, 0 and positive 1.
So consider as a px, py and pz. Now this process, how can you find, learn in previous lecture. So in this, using this lecture, we have to find three orbitals of p, subshell and then orbitals, shell, subshell and orbitals. So px, py and pz. Three axes are, and second shell, therefore 2p, 2py and 2pz. X axis, y axis and z. In similar way here, y, x and z axis, x, y and z axis. So your rotation around only x axis, it means dumbbell shape on x axis. So is only consider x axis is known as 2px, and this point, it means on a place of nearby nucleus, is considered as a angular nodes. Yani ki ye jo nucleus ke around aisi space hogi, wahan pe probability of electron finding is also zero, is considered as a angular nodes and radical nodes. Yani ki wo radius one orbit khatam hogi, uske baad ye border ki baat kare to wahan pe radical node hogi. और नॉट्स, सो ये जो स्पेस है दोनों पार्ट के बीच में, वहां पे आपको वो उसको नॉट्स बोलेंगे. तो फर्स्ट ये एस ऑर्बिट के लिए क्या होगा, सो फर्स्ट रेडिकल नॉट्स, इट मींस एन इक्वल टू वैल्यू इज वन, बट फॉर एस ऑर्बिट, फॉर एस ऑर्बिटल्स वी कैन फाइंड रेडिकल नॉट. रेडिकल नॉट इट मींस एन इक्वल टू वन, L इक्वल टू इज इक्वल टू हियर, L इक्वल टू जीरो होगा. सो यहाँ पे जीरो माइनस वन, यानी कि आंसर इज जीरो. तो यहाँ पे रेडिकल नॉट जीरो है, उसका मीनिंग क्या होगा, जो 1s ऑर्बिट होगी उसके तुरंत अराउंड, इट मींस उसके साथ ही दूसरी ऑर्बिट होगी उसकी 2s, वो उसके साथ ही हो जाएगी. अगर उस 1s और 2s के बीच में गैप होता तो यहाँ पे आपको रेडिकल नॉट मिलता, बट ऐसा वैल्यू जीरो मिल रही है, तो इसलिए यहाँ पे जो रेडिकल नॉट और रेडिकल नॉट फॉर 1s एंड 2s इज जीरो, देयरफॉर ये जो होगा 1s उसके साथ में ही 2s स्टार्ट हो जाएगा, उसके बीच में ऐसी स्पेस है वो स्पेस दिखाई नहीं देगी. नाउ नेक्स्ट एंगुलर नॉट्स, सो एंगुलर नॉट्स इज वैल्यू ऑफ l, वैल्यू ऑफ l इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एंगुलर नॉट्स ऑफ फर्स्ट s, इट मींस 1s इज इक्वल टू जीरो एंड टोटल n माइनस वन, n माइनस वन यानी कि जीरो फोर. इसी तरह से आप p ऑर्बिट के लिए फाइंड कर सकते हो रेडिकल नॉट, रेडिकल नॉट्स. सो यहां पे हम रिप्रेजेंट करेंगे 2py एंड 2pz. सो ओनली p एक्सिस, ओनली y एक्सिस कैन बी काउंट, सो इज अ डंबेल शेप ऑन अ y एक्सिस एंड हियर z, सो ओनली z ऑर्बिट कैन बी काउंट, सो इज रिप्रेजेंटेड 2px, 2py एंड 2pz. फॉर ऑल ऑर्बिट, angular, radical and total knot will be same, because here is a subshell of p, so orbital is a 2px, 2py ले लो, 2pz ले लो, किसी के लिए आप count करोगे answer will be same. So radical knot, it means n minus l minus 1, so value of n, here second shell about, that means once this shape and angular azimuthal quantum number, it means n minus l, n minus 1 is represented l, so l value of l is equal to 1, n minus 1. So answer is 0. So here radical knots is also 0. Suppose we have to find for 3p. ये जो हमने find किया हो 2p, it means 2px, 2py, 2pz. Anyone ले सकते हो, यहाँ पे 3p में भी same ही होगा. 2px ले लो, 2py ले लो, 2pz. इसी तरह से 3p, 3py and 3pz. For any xyz, value will be same. So consider as a 3p. N minus L minus 1. N equal to here third cell. L equal to second and 1, so answer is minus 2 minus 3, answer is 0. इसी तरह से आप next ले सकते हो, तो ये आप find कर सकते हो. इसी तरह radical knot खत्म हुआ, उसके बाद angular knots, angular knots it means represented value of L, so here value of L equal to 1, therefore angular knot is 1 and total
nodes. Total node means n minus 1. So here 2 minus 1 is equal to 1. So value of total nodes, for p orbit is for 2p orbit. Answer will be changed then 3p. 3p means 3 minus 1. It means 2. So total node is 2 in 3p. Now radical node for 2p is equal to 2 minus 1 minus 1. Answer is 0. So no radical node found in 2p orbital. 3. Now angular, it means represented value of L. So 1 and total 1. So ye baat hui aapki space shape of p orbitals. Now next shape of d orbitals. So d orbital kahan se start hoti hai? N equal to 3 se start hogi, 3, 4, 5 up to so on. And the shape of this is donut shape. The shape of d orbitals is equal to donut shape. So ye donut shape mein d orbit ka hoga. Ab ye value of n equal to 3 lenge. सो वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू आपको मिलेगा एन माइनस वन यानी कि टू मिलेगा. तो उसी तरीके से आप एन फाइन करोगे तो आपको टोटल फाइव ए में आएगा. इट मीन्स एम इज इक्वल टू वॉट टू एल प्लस वन. एल की वैल्यू टू, टू इंटू टू फोर प्लस वन. एंड रिप्रेजेंटेड माइनस एल टू एल, इट मीन्स माइनस टू माइनस वन जीरो पॉजिटिव वन एंड पॉजिटिव टू. और वैल्यू होगी डी एक्स वाई, ये जो नाम होगा वो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर. सो ये फाइव ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे अक्सिस पे. डी एक्स वाई जेड अक्सिस होती है, बट यहाँ पे एक्स वाई है. तो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए ओनली एक्स वाई कंसिडर करते हैं. यहाँ पे जेड प्रेजेंट ही है, बट हम रिप्रेजेंट करते हैं ओनली टू अक्सिस फॉर फर्स्ट एक्स एंड एक्स डैस, वाई एंड वाई डैस फॉर डी एक्स वाई. उसी तरीके से नेक्स्ट रिप्रेजेंटेड डी वाई डैश जेड एंड जेड डैश. सो डी वाई जेड आर प्रेजेंट हियर. नेक्स्ट वैल्यू डी जेड एक्स, डी जेड एक्स. सो ओनली जेड एंड एक्स ऑर्बिट आर प्रेजेंट. नाउ डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर. सो ओनली टू ऑर्बिट एक्स आर रिक्वायर्ड and y dash are required. And last dz square are represented here. So only one orbit can be represented for this. So only one orbit, it means only z orbit can be represented. So here dxy, it means first is, so between x and y, first donut shape. In similar way here down part, in also here first part is xy. So only x and y area will be covered. So only one x and y area will be covered in dxy. In similar way dyz, it means only between y and area are covered. And these are represented angular momentum. In similar way here dzx. So dzx, z between z and x area cover. So here donut shape can be created. So now third is dx square minus y square. So whole x square cover here x and also x can be covered. It means x square and here y area cover. So is represented by x square minus y square. And last z square. So only z axis cover and here one circular path, it means here one nodes can be found and this, it means inner this circle and go away and outer this circle. So is a in the passes to nodes or cover only z axis. So this type of is a donut shape. So all orbits can be, or d orbit can be represented by donut shape. Now find this angular momentum, total moment and all momentum for this orbit, So first value of angular
nodes. Angular nodes, it means represented value of L. For D orbit, it means for 3D is represented by third, it means n minus 1, it means value of L equal to 2. Value of L equal to 2. So angular nodes is equal to 2. Now radical node, it means n minus L minus 1. So L is equal to for 3D, 3, 2 and 1. It means here 0. So radical nodes is equal to 0. And the total node n minus 1. N minus 1, n is equal to 3 minus 1 is equal to 2. So total nodes is equal to 2. सो ये आपको शेप के बारे में पता चला, एस पी एंड डी ऑर्बिट का शेप. सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी ऑफ डिफरेंट एटम. थैंक यू फ्रेंड्स.